राम राम बंधुओं, राम राम। शब्द हमारे लेकिन विचार कानून विशेषज्ञ आर एस नागवंशी के। आपको ज्ञात होगा कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में गृह मंत्री अमित शाह ने कानून में संशोधन का बिल पास किया था। अब कानून दंड प्रावधान नहीं न्याय प्रधान के रूप में जाना जाएगा। इस संदर्भ में आर एस नागवंशी क्या कहते हैं, आइए समझते हैं। देश के कानून में 1 जुलाई से आम लोगों की सहूलियत के लिए कई नए प्रावधान किए जा रहे हैं। अक्सर शिकायतें मिलती हैं कि ठगी, लूट और कई बार मारपीट की घटना के कई दिन बाद पुलिस FIR दर्ज नहीं करती। पीड़ितों को केस दर्ज कराने के लिए थानों के चक्कर काटने पड़ते हैं। ऐसी शिकायतें अब नहीं रहेंगी। 1 जुलाई से कानून में जो नए प्रावधान होने जा रहे हैं उनमें सबसे अहम FIR दर्ज करने की प्रक्रिया है। नए प्रावधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी केस में फोन या ईमेल के जरिए थाने को सूचना देगा, पुलिस को तुरंत FIR दर्ज करनी होगी, बशर्ते कि प्रार्थी या उसके प्रतिनिधि को 3 दिन के अंदर थाने पहुंचकर पुलिस की दर्ज FIR में अपने हस्ताक्षर करने होंगे। अब जानिए इस नए प्रावधानों के साथ कानून में क्या बदलाव होगा। FIR दर्ज कराने में लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत 1 जुलाई से दूर हो जाएगी। फोन पर शिकायत करते ही पुलिस को तुरंत ही केस दर्ज करना होगा। यही नहीं, कोई भी पीड़ित देश के किसी भी कोने में हुई घटना की रिपोर्ट कभी भी किसी दूसरे राज्य में पहुंचकर करवा सकेगा। जैसे रायपुर का कोई व्यक्ति अगर बेंगलुरु या मुंबई जाता है, वहां उसके साथ कोई घटना हो गई, किसी कारणवश वह उस समय वहां के थाने पहुंचकर शिकायत नहीं कर सका तो उसे तुरंत लौटना पड़ा, तो वह रायपुर के किसी भी थाने में पहुंचकर उस घटना की रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। पुलिस यहां 0 FIR दर्ज कर केस डायरी संबंधित थाने को ट्रांसफर करेगी। इसके अलावा पुलिस जाँच के नाम पर कोई केस लंबा नहीं खींच सकेगी। 14 दिन में DSP रैंक के अफसर को करनी होगी इसकी जाँच। यही नहीं, कई अपराधों में भी रिपोर्ट का नियम बदलेगा। जैसे चेन स्नैचिंग, चोरी या लूट। अभी इस समय जो है चेन स्नैचिंग, बैग, मोबाइल या इसी तरह झपट्टा मार कोई कीमती सामान छीन कर ले जाने वाली घटना में कहीं पुलिस लूट का केस दर्ज करती है तो कहीं चोरी का। अब जानते हैं क्या होगा। अब इसके लिए धारा 304 का प्रावधान कर दिया गया है। ऐसी घटना होने पर सीधे नई धारा के तहत केस दर्ज किया जाएगा। अब जैसे कोई विदेश में बैठकर अपराध कर रहा है, उस परिस्थिति में अभी क्या है, विदेश में रहकर अपराध के लिए साजिश रचने वालों पर केस दर्ज करने के संबंध में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं था, लेकिन अब यह होगा। नए प्रावधान में इसे भी शामिल किया गया है। जैसे लॉरेंस गैंग के सदस्य विदेश से फिरौती नहीं देने वालों के खिलाफ सुपारी दे रहे हैं, ऐसे मामलों में यहाँ के लोगों पर केस दर्ज होगा। वैसे ही विदेश में बैठे बदमाशों पर भी केस दर्ज किया जा सकेगा। आतंकवादी केस में UAPA लगेगा या धारा 113, स्टेट पुलिस को जांच का अधिकार रहेगा। अब इसको थोड़ा सा स्पष्ट रूप से और समझिए। आतंकी कृत्य जैसे देश की अखंडता एकता के खिलाफ काम करने वालों के विरुद्ध मामलों के लिए धारा 113 का प्रावधान किया गया है। इस तरह के मामलों में UAPA भी दर्ज होता है, लेकिन UAPA दर्ज होने पर 99% मामलों में सेंट्रल एजेंसी जांच करती है। अब धारा 113 दर्ज होने पर स्टेट पुलिस जांच कर सकेगी, लेकिन किस केस में UAPA दर्ज करना है और किस केस में धारा 113 के तहत अपराध पंजीबद्ध करना है, ये SP या उससे बड़ी रैंक के अधिकारी तय कर सकेंगे। आए दिन आप सुन रहे होंगे कि प्रत्येक राज्यों में नकल माफिया बहुतायत मात्रा में बढ़ गए हैं। उस परिस्थिति में क्या होगा, नकल का मामला अब होगा अजमानती, उसका तत्काल जमानत नहीं मिलना है। और थोड़ा सा स्पष्ट रूप से समझिए, मारपीट या अन्य केस में डॉक्टरों को तुरंत देनी होगी रिपोर्ट। गंभीर केस के आरोपियों को हथकड़ी लगाकर भी कोर्ट में पेश किया जा सकेगा। शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म के मामलों में धारा 69 के तहत केस दर्ज होगी। गंभीर संगठित अपराध के लिए धारा 111 के दायरे में आएंगे, अभी तक धारा 34 दर्ज होती थी। छोटे संगठित अपराध जैसे जुआ खेलना, परीक्षा में नकल कराने, धारा 112 के तहत केस दर्ज होगा, ये अजमानती है। अब तक जुआ में 13 जुआ एक्ट में थाने से बेल मिलती थी। छोटे बच्चों को अपराध के लिए प्रेरित करने वालों पर धारा 95 के तहत कार्रवाई होगी, राजद्रोह समाप्त होगा, पर अब 152 के तहत केस दर्ज होगा, सजा न्यूनतम 3 से बढ़कर 7 साल तक होगी। आम आदमी किसी को अपराध करते पकड़ लेता है तो 6 घंटे में पुलिस को सौंपना होगा। तो इस तरह आपने कुछ अंश देखा कि हाँ, अब 1 जुलाई से जो नया कानून अस्तित्व में आ रहा है उसका असर क्या होगा, अब तो आगे भविष्य में देखा जाएगा। लेकिन जो आर एस नागवंशी कानूनविद हैं उनके द्वारा जो कुछ बातें रखी गई उसको हमने आपके समक्ष साझा किया। जुड़ने के लिए आभार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।